दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं ईयरफोन का 3.5 mm जैक को रिपेयर करके दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं इस ईयरफोन की केबल में यहाँ पर चार तार लगा रहते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं इस चारों तारों को इस पिन के साथ कनेक्शन करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं ये चारों तारों का कलर अलग अलग है, तो इस पिन में भी देख सकते हैं यहाँ पर चार पॉइंट है। ये कौन सा तार कहाँ पर लगाना होगा तो आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चार पॉइंट लगा रहते हैं। तो ये चारों तारों को इस पिन के साथ यहाँ पर कैसे कनेक्शन करना होगा इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं। ये जैक पिन को यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए पहले ये जो ईयरफोन का तार है इस तार के कवर में यहाँ पर काटना होगा। आप लोग देख सकते हैं इस कवर को मैंने काट के ये जो चारों तार है इस चारों तारों को किनारे से बाहर निकाल लिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। अब इस पिन को यहाँ पर ऐसे फिक्स करना होगा। इसको यहाँ पर लगाने के लिए फिर से मैं यहाँ पर काटूंगा। आप लोग देख सकते हैं ये ब्लेड से मैंने थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर के हिस्सा काट लिया हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं ये इसको गैप कर देना होगा ऐसे प्लास्टिक के कवर को, और उसके बाद इस पिन को यहाँ पर फिक्स करना होगा। ये जो प्लास्टिक का कवर है इस कवर में यहाँ पर इस पिन को ऐसे लगाने के लिए यहाँ पर ग्लू यूज़ करना होगा। पहले ये जो ईयरफोन का चार तार है इस चारों तारों को आग से जला लेना होगा ऐसे अंदर के कवर को बाहर निकालने के लिए। चारों तारों को देख सकते हैं आप लोग, इसको मैंने जला ले ये काले पड़ गया है। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर के हिस्से में ऐसे ब्लेड से साफ करना होगा। अब मैं चारों तरफ से ब्लेड से साफ कर लिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा चमक गया है। आप लोग देख सकते हैं ये तार पूरा चमक गया है। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर के हिस्से में सोल्डर करना होगा इस चारों तारों के ऊपर में कॉपर में। अब मैं यहाँ पर सोल्डर कर लूँगा इस चारों तारों के ऊपर में। पहले आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को इसका कंटिन्यूटी, ये ईयरफोन ख़राब हुआ है या नहीं। अभी आप लोग ध्यान से देखना इस तारों में जो ये जो लाल वाला तार है ये पॉजिटिव है और ये दूसरा ग्राउंड तार है। ग्राउंड तार में एक टर्मिनल को लगा देना है मल्टीमीटर का। अब मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है, और उसके बाद ये स्पीकर की तार में भी रीडिंग दिखा रहा है, और ये जो माइक्रोफोन का तार है यहाँ पर भी रीडिंग दिखा रहा है। तो ये ईयरफोन पूरा ठीक है। और उसके बाद इस जैक पिन को आप लोग ध्यान से देखना, इस जैक पिन का जो ये पहला वाला पॉइंट है यहाँ पर माइक्रोफोन की लाल तार को सोल्डर करना होगा ईयरफोन का, और उसके बाद ये दूसरा ग्राउंड है और आगे का ये स्पीकर की तार को यहाँ पर सोल्डर करना होगा। अब आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चार तार है। चारों तार में से ये जो ऑरेंज कलर का तार है इस तार को यहाँ पर सोल्डर करना होगा। ये तीन नंबर वाले पॉइंट पर यहाँ पर ये निगेटिव है, ग्राउंड है ये। और उसके बाद ये लाल तार को यहाँ पर सोल्डर करना होगा पहला टर्मिनल पर यहाँ पर, और उसके बाद ये जो बाकी बसे हुए इसको आगे पर सोल्डर करना होगा। ये स्पीकर का लेफ्ट राइट तार है। अब मैं आप लोगों को इसको सोल्डर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर पहले इस ईयरफोन की जैक को यहाँ पर लगाने के लिए पहले ये जो कवर है प्लास्टिक का कवर जो पहले मैंने काटा था यहाँ पर ग्लू यूज़ करना होगा। अब मैं यहाँ पर एक ग्लू यूज़ करूँगा। आप लोग यहाँ पर फेविक्विक ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक की ग्लू। अब यहाँ पर इसको यहाँ ऐसे लगा देना होगा। अब ये सूख गया है, आप लोग देख सकते हैं ये सूख गया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर सोल्डर करूँगा। ये जो तार है इस तारों को यहाँ पर सोल्डर करूँगा। अगर आप लोग ईयरफोन रिपेयरिंग दूसरा वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चारों तारों को मैंने एक एक करके सोल्डर कर दिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पर चारों तारों को यहाँ पर सोल्डर करना होगा इस जैक पिन के साथ एक एक करके। अब आप लोग ध्यान से देखना कौन सा तार को कहाँ पर सोल्डर करना होगा। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये लाल वाला तार, ये पहला वाला ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर सोल्डर करना होगा। इसको सोल्डर करने के लिए इस तार को यहाँ पर ऐसे लगा देना होगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो लाल तार है इस लाल तार को यहाँ पर पहले वाले पर सोल्डर कर दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। ये माइक्रोफोन का तार है, और ये जो दूसरा तार है ऑरेंज कलर का ये ग्राउंड तार है, निगेटिव तार को यहाँ पर सोल्डर करना होगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर का तार है इस ऑरेंज कलर की तार को यहाँ पर सोल्डर करना होगा दूसरे नंबर पॉइंट पर। आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये दो नंबर वाला पॉइंट, ये ग्राउंड तार। अब मैं इस तार को यहाँ पर सोल्डर करूँगा। इस तार को यहाँ पर सोल्डर करने के लिए इसको यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा टेढ़ा कर देना है ऐसे। अब मैं ऊपर में यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद बाकी बसे हुए हिस्से को ऊपर से ऐसे काट देना है। आप लोग देख सकते हैं दो तार को मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया हो लाल और ऑरेंज कलर की तार को, और उसके बाद ये जो दो तार है ये दोनों स्पीकर का लेफ्ट राइट तार है इस तार को यहाँ पर सोल्डर करना होगा। अब मैं एक तार को यहाँ पर सोल्डर करूँगा ये वाले पॉइंट पर। ये जो ग्रीन कलर का तार है इस तार को यहाँ पर सोल्डर करना होगा ये तीन नंबर वाले पॉइंट पर। ये भी तार मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया हो आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रीन तार को यहाँ पर तीन नंबर पे सोल्डर कर दिया हो। और उसके बाद बाकी जो बसे हुए तार है इस तार को एकदम लास्ट यहाँ पर पॉइंट में सोल्डर करना होगा यहाँ पर। ये ब्लू कलर का तार है इस तार को भी यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं।
अभी आप लोग देख सकते हैं ये सारों तारों को मैंने इस ईयरफोन के ऊपर में सोल्डर कर दिया हुआ। अब आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा इस ईयरफोन की, ये ईयरफोन ठीक हुआ है या नहीं। ऊपर की ये जो बाकी बसे हुए हिस्से है इसको ब्लेड की मदद से ऐसे काट देना है। ये जैक को ऊपर में कवर करने के लिए आप लोग यहाँ पर टैप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को मोबाइल की मदद से इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। अब मैं मोबाइल पर आप लोग देख सकते हैं मोबाइल की डिस्प्ले में यहाँ पर ईयरफोन का लोगो आ गया है। अब आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। अब मैं ये ईयरफोन का जो दो स्पीकर है इस दोनों स्पीकर की साउंड को टेस्ट करने के लिए मेरा माइक्रोफोन को यहाँ पर रख दिया हुआ। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा माइक्रोफोन है। अब मैं माइक्रोफोन के आगे में यहाँ पर स्पीकर को लगा दिया हुआ, आप लोग सुन सकते हैं स्पीकर की साउंड को। और उसके बाद ये जो दूसरा स्पीकर है इस दूसरे स्पीकर की साउंड को भी आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा दूसरा स्पीकर है, ये दूसरे स्पीकर का भी साउंड सुन सकते हैं। ये ईयरफोन, ये ईयरफोन का पूरा साउंड आ रहा है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आप लोग सुन सकते हैं ये ईयरफोन का साउंड बहुत ही अच्छा आ रहा है पहले जैसा। तो आप लोगों को मैंने ये ईयरफोन को रिपेयर करके इसका साउंड टेस्ट करके भी दिखा दिया हूँ। तो ये ईयरफोन पूरा ठीक हो गया है। अब मैं मोबाइल की गाना को स्टॉप करूँगा, ये मैंने स्टॉप कर दिया हूँ। फिर से इसको चालू कर देते हैं, आप लोग सुन सकते हैं इसका साउंड। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख के पुराने ईयरफोन को रिपेयर कर सकते हो। ये जो ईयरफोन का ऊपर का जैक है तो आप लोगों को मैंने इस ईयरफोन को रिपेयर करके दिखा दिया हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अब मैं यहाँ पर इसको कवर करने के लिए ऊपर के हिस्से में ऐसे टेप को लगाऊंगा। अभी आप लोग देख सकते हैं ये ईयरफोन पूरा ठीक हो गया है, ये ईयरफोन का जैक पिन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख के ये ईयरफोन को आसानी से रिपेयर कर सकते हो।